वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, आप लोग में से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी आ गया? ये जो नोटिफिकेशन में हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का जिक्र है, इसको देख के आप लोग हड़बड़ा गए। ठीक है, तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है आया कब, 14/7/2023, मतलब कल ये जो है जारी किया, बीता हुआ कल, कहने का मतलब है यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे बीता हुआ कल को ये जो है जारी किया गया। इसमें क्या दिया गया है, तो देखिए ये हॉस्टल वार्डन तो वर्ड दिया हुआ है, लेकिन पहले आप लोग इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। ये जो वैकेंसी है ये निकला हुआ है मंडल संयोजक का। ठीक है, मंडल संयोजक में जो है पदोन्नति किया गया है, और इसमें फॉर्म केवल वही लोग भर सकते हैं जो कि सहायक ग्रेड 2 है, सहायक ग्रेड 3 है, या छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द है। जैसे कि मैं आप लोग को बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ कि यदि आप लोग हॉस्टल वार्डन बन जाओगे, छात्रावास अधीक्षक बन जाओगे, तो आपका जो प्रमोशन है किसमें होगा, मंडल संयोजक में होगा। मंडल संयोजक याद रखिएगा, मंडल संयोजक के बाद सीधा जो प्रमोशन होता है कौन से में होता है, सीईओ का प्रमोशन होता है। याद रखिएगा, मंडल संयोजक बनोगे फिर सीईओ का प्रमोशन होता है। तो ये जो मंडल संयोजक का भी प्रमोशन होने को है, तो इसका जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये जो है एग्जाम इसी का बात चल रहा है कि इस एग्जाम में जो सहायक ग्रेड 2 है और सहायक ग्रेड 3 है इन लोग अप्लाई कर सकेंगे, और जो छात्रावास अधीक्षक है ये मतलब मंडल संयोजक का जो पदोन्नति हुआ है इसकी बात चल रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से इसमें जो है डेट क्या दिया हुआ है फॉर्म भरने का, तो 18/7/2023 दिया हुआ है। ठीक है, 18/7/2023 है ये। ठीक है, आप लोग को धुमेला दिख रहा होगा, तो ये जो है प्रमोशन वाला है और बाकी कुछ नहीं है। ठीक, इसका जो है एग्जाम वो विभागीय की तरफ से होगा, ट्राइबल विभाग का ये जो है इसका ऑफिशियल एग्जाम होगा। तो ये आप लोग का जो हॉस्टल वार्डन आप लोग सभी लोग भरने के लिए देख रहे हैं, 500 प्लस पोस्ट जो है ये विलंबित हुआ, जो कि 900 प्लस पोस्ट आएगा। तो ये जो है ये वाला नहीं है नोटिफिकेशन, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक शीर्षक के रूप में भी लिखा गया है, शीर्षक के रूप में पहले ही पॉइंट में लिखा गया है कि यह है योजना अनुसूचित जनजाति एसटी एससी जो विकास विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा और शैक्षणिक सेवा के कर्मचारी के बीच में चयन द्वारा, क्या बोला गया, कर्मचारियों के बीच में चयन द्वारा सांख्यिकी अधिकारी, मतलब जो मंडल संयोजक होता है इसके अनुसंधान सहायक मंडल संयोजक के पदों पर जो है नियुक्ति के लिए परिकल्पित किया गया है, ये इनका है। ठीक है, इसमें भी मतलब जो एज है मांगा है 50 वर्ष का एज मांगा है, कम से कम 5 साल जो है विभाग में काम करना होना चाहिए। ठीक है, उन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिन लोग यदि हॉस्टल वार्डन पहले से बन चुके हैं 2016 के वैकेंसी में या 2014 के वैकेंसी में जिन लोग बन चुके हैं उन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है मंडल संयोजक बनने का। इसके बाद यदि मंडल संयोजक के बाद प्रमोशन हुआ तो सीधा आप लोग सीईओ बनोगे। ठीक है, सीईओ बनोगे, तो देखिएगा आप लोग जो मतलब जिन लोग भी हैं पहले से हॉस्टल वार्डन यदि उन लोग देख रहे हैं तो ये है आप लोग के लिए गुड न्यूज है। यदि उन लोग नहीं देखेंगे तो जिन लोग का भी रिश्तेदार वगैरह होगा या पहचान का होगा तो बता दीजिएगा, ये जो है प्रमोशन के लिए फॉर्म जो है निकला हुआ है, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा मत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे रखिएगा। जिन लोग हॉस्टल वार्डन का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं उन लोग 62/61/40/22/66 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो इसमें आप लोग को कोर्स के बारे में जो है ज्वाइनिंग का मतलब जो है इंक्वायरी मिल जाएगा इस नंबर पे। ठीक है, व्हाट्सएप का जो है पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, और इसमें जो है केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, जो पेपर में आने लायक है, मतलब इसमें फालतू का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो ढंग से अच्छे से तैयारी करने के लिए आने का चांस जो है क्वेश्चन का उस हिसाब से तैयारी करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ये जो नंबर दिया है इसमें आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को, गुड नाइट।